नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास, जिसे हम पता सिर्फ 51 नंबर वाला क्लास है। 50 क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। सर, हम पढ़ रहे हैं भाग 9A। इससे पहले भाग 9 पढ़े थे, पंचायती राज। तो भाग 9 से ही बना था 9A, पंचायती राज नगरी निकाय। तो भाग 9A में है नगरी निकाय, इसका पार्ट 1 देख रहे हैं नगरी निकाय वाले का। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है ये, तो एकदम एग्जैक्ट ये सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आए तो आते हैं हमारे आज के क्लास की मुख्य कंटेंट की ओर। आपको पता है संविधान 22 भाग, उन 22 भाग, उनके नाम, उससे जुड़े अनुच्छेद का ये 3 स्लाइड है, जिसे आपको हर दिन याद करना है जरूरी, इसलिए मैं ऐड करवाता हूँ इसको। इसको समझते हैं कि हर दिन ये ऐड क्यों रहता है, इसको हर दिन इसीलिए ऐड करवाता हूँ कि आप हर दिन जब क्लास हो तो इसको हर दिन रिविजन करें माइंड में, है ना। चलिए फिलहाल आज के मेन कंटेंट पे हम आते हैं, जहाँ से मुझे आपको पढ़ाना है। बाकी वो सब स्लाइड वाला और भागों वाला तो आपको कंटेंट में पढ़ाते रहता हूँ, याद करवाते रहता हूँ, है ना। जैसे 12 अनुसूची में आपको कितने बार याद करवा चुका हूँ, 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद कितने बार याद करवा चुका हूँ, भाषाएं जो थी 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूरी, वो आपको कितने बार याद करवा चुका हूँ, एक ही बार याद करवाएं भाषा वाले से। तो हाँ, तो ऐसी चीजें जो मैं आपको याद करवाते रहता हूँ, उनको याद कीजिए, रिविजन कीजिए, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, है ना। आइए आज के कंटेंट के ऊपर हम आते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत से पहले ये बात याद रखिए कि मैंने लास्ट क्लास में भी बात कही थी, फिर ये बोल रहा हूँ कि जब सपने तेरे अपने हैं तो दूसरों से उम्मीद है क्या, जब सपने तेरे अपने हैं तो दूसरों से उम्मीद है क्या, खुद उठ, खुद जाग, खुद दौड़, और खुद मेहनत करके मंजिल की ओर आगे बढ़, क्योंकि सपने तेरे अपने हैं तो दूसरों से उम्मीद है क्या, है ना। तो जब सपने आपके हैं दोस्तों, आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे को पढ़ा दे, लिखा दे, याद करा दे, दिमाग छपा दे, इतना भी है वो नहीं। जब सपने तेरे अपने हैं तो दूसरों से उम्मीद है क्या, ये बात याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको कहीं भी, चाहे मन में बना लीजिए, दोहराते रहिए इसको। जब सपने तेरे अपने हैं तो दूसरों से उम्मीद है क्या, जब दूसरों से उम्मीद नहीं है तो खुद से ही उम्मीद रखिए और खुद से ही मेहनत कीजिए, यही इसका सार्थक सत्य है। कि आप कल क्या बनेंगे ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हैं, और आपका जो सपना है उस दिशा में आप कोई काम करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखिए इन बातों का। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं भाई इस मोटिवेशन लाइन के साथ, जब सपने तेरे अपने हैं तो दूसरे से उम्मीद है क्या, ये बात ध्यान रखिएगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित की गई भाग 9A में 243P से ZG तक कुल 18 विषय हैं। जैसे आपको पता सर, पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं, तो नगरी निकाय में कुल आपके 18 विषय हैं, ठीक। कुछ आपको बना दूं डायग्राम, एक था भाग 9 और एक भाग 9A। भाग 9 तो पंचायत, भाग 9 है आपका नगरी निकाय, नगरी निकाय, है ना। पंचायत में भैया आपको 243 P तक, यहाँ पर 243P से 243ZG तक, ठीक। इसमें आपके पंचायत वाले कुल विषय है 29 विषय 29 मद। इसमें कुछ विषय आपके भैया 18 विषय 18 मद। ये तो क्या भाग, संविधान के 22 भागों में से भागों के हिसाब से बात यहाँ पे हो गया। कुल 18 विषय है यहाँ पे, इसमें 18 विषय में लिख दिए। आते हैं अनुसूची में। अनुसूची भी 11 अनुसूची और 12 अनुसूची, ये अनुसूची है, भाग नहीं है, ये अनुसूची है, अनुसूची 11 अनुसूची भी पंचायती राज। बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं भाग 9A और 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची में, तो 9 ये भाग है और ये अनुसूची 11वीं 12वीं, पंचायती राज जो 12वीं अनुसूची है नगरी निकाय। इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में, और इसको नगरी निकाय को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में, जोड़ा गया था इसको 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में ही। क्लियर हो गई बात है, यस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, चारों को याद रख लीजिए।
कई बार आपको भाग पूछते हैं, आप अनुसूची सोचते हैं, कई बार आपको अनुसूची पूछता है भाग सोचते हैं, नहीं, ये अनुसूची वाला अलग सेगमेंट है दोस्त। अनुसूची में 11 और 12 में है दोनों, और भाग वाले में भैया भाग 9 और 9 ए में भैया दोनों, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरे एक अलग सेगमेंट है। क्लियर हो गई बात है? यस। तो ये बात बोला है कि देखिए नगरीय निकाय का बात कर रहे हैं, नगरीय निकाय का 74वां संविधान संशोधन 1992 ये लिखा है कि नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया 9A में 243P से जर्जी है, 9A में, 9A भाग 9A में 243P से जर्जी तक है, 9A में भाग 9A में 243P से जर्जी तक कुल 18 विषय हैं, कुल 18 विषय। तो पूरी जानकारी इतने में आपको दे दिया हूं मैं, इस डायग्राम को अपने माइंड में बैठा लीजिए, बनाना सॉल्व कीजिए, है ना, ठीक है क्या, बोर्ड वगैरह फंस गया था तो नहीं, नहीं फंसा है, ठीक है ठीक। आइए, हाँ, और फिर आपसे एक जरूरी बात इतना बताने के बाद कि आपको मैं लास्ट क्लास में बोला था, लास्ट उससे पहले क्लास में बोला था मैं भी कि आप में से सभी बच्चे कमेंट कीजिए कि अब अगला आप क्लास कौन सा देखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स का जो हम रिवीजन क्लास चला है तो खत्म हो गया है, तो अगला क्लास का मतलब है कि ऐसा कोई क्लास बताइएगा, उसका सर भी बता दूं, आप अगला कौन सा क्लास मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मगर ऐसा क्लास बताइएगा जो कहीं और यूट्यूब में आप नहीं पढ़ पा रहे हो। छत्तीसगढ़ आप बोले तो छत्तीसगढ़ हर कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब में खोल के, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, है ना, उसी चीज़ को पढ़ के क्या हो जाएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो कोई नहीं पढ़ा रहा और वो आपको पढ़ना जरूरी है, उससे क्वेश्चन आते हैं, चले 4 क्वेश्चन चाहे 5 क्वेश्चन, और उससे अगर वो पढ़े तो 5 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, वो 5 क्वेश्चन कोई और नहीं पढ़ता है। तो यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा हो ऐसा विषय, आप सबके सब सजेस्ट करके बताइए, आप में से जो बच्चे कमेंट में जो जो विषय बोलेंगे उनमें देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा बच्चे जिस विषय का चाहत रखते हैं वही विषय हम चलाएंगे, उस विषय से जुड़ा हुआ क्लास लेके आएंगे। ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कौन सा विषय हमें पढ़ना, बस भीड़ का सहारा ले लेते हैं, आप अपने खुद अपने आप को जज कीजिए कि मेरे पास कौन कौन से विषय, पूरा जो जो सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट सिलेबस में उस विषय का नाम लिखिए, हिंदी इंग्लिश गणित मैथ्स ऐसा लिख लीजिए, फिर उसमें देखिए कि आप किस किस किसके लिए साधन है, जिसके लिए साधन नहीं उसको गोला कीजिए और उसका कमेंट आप टाइप कीजिए ना, है ना, जब आप इस एक 5 मिनट का मेहनत या 2 मिनट का मेहनत करने के बाद अगर आप कमेंट करते हैं तो या अगर आपको पहले से पता है तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों आप सही मायने में खुद के साथ इंसाफ करेंगे, जो आपका वीक है पोर्शन वो, जिस कंप्यूटर में देखा कि छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ाता, तो मैंने कंप्यूटर का पूरा सेशन पढ़ाया शुरू से लेकर लास्ट तक, 100 सुपर वीडियो है ना शायद उसमें, बताइए, तो पूरा क्लास पढ़ा दिया मैंने। अब उसको जो भी जब भी कंप्यूटर का एग्जाम देने जा रहा है, व्यापम की तैयारी कर रहा है, एक बार शुरू से लास्ट तक देखेगा उसका हर एक क्वेश्चन बन जाना, उन वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन उसको छोड़ के बाकी कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसी से, उसमें फैक्ट भी भर भर के पढ़ा दिया मैं आपको, आपको जितना आता है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस तक पढ़ा दिया हूँ। तो वैसे ही सब्जेक्ट खोजिए दोस्तों जिसकी तैयारी आपको कोई नहीं करवाता है, जिसके लिए यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा है, जिसको भैया ऑफलाइन भी कोई नहीं पढ़ाता है, वैसे सब्जेक्ट बताइए ताकि मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट में मेहनत करके आपके वो नंबर एक्स्ट्रा आपको दिलवा सकूँ, जिस नंबर से आप चूक रहे हो एक दो नंबर से, वो नंबर आपको बढ़ जाए और आप सिलेक्शन पा सके। तो जरूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा, और जितने अधिकांश लोगों को बोलेंगे कमेंट कर रहे हैं, जितने अधिकांश लोगों तक आप भेजेंगे शेयर करेंगे, कमेंट करो भाई बताओ कौन सब्जेक्ट चाहिए, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको पता रहेगा जो बच्चों का ज़्यादा डिमांड होगा, क्योंकि 5-6-7-8 बच्चे लिखेंगे भाई ये सर ये पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं है, तब क्लास चालू ही नहीं होगी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोग बोलेंगे लगेगा कि हाँ यार 100-200 बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो भाई चलिए चालू करते हैं क्लास, उनको नंबर दिलवाते हैं अच्छे से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट में जरूर मैसेज कीजिए कि कौन सी चीज़ का आप क्लास देखना चाह रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाह रहे हैं, ठीक। आइए, इस प्रावधान के द्वारा 3 स्तर की नगर पालिका की स्थापना की गई, किस प्रावधान के द्वारा, इस प्रावधान के द्वारा 3 स्तर की नगर पालिका की स्थापना की गई, कौन से प्रावधान भैया, अरे यही भाग 9 क के आधार पे यार, भाग 9 क में 3 स्तर की नगर पालिका की स्थापना की गई, नगर पालिका नगर पंचायत, नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम, है ना, नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र कस्बा वाले क्षेत्र के आसपास बनता है, नगर परिषद छोटे शहर में बनता है, और नगर निगम बड़े शहर में बनता है, ठीक। तो 3 स्तर वाले यही 3 स्तर भैया, नगर पंचायत सबसे छोटा, उससे बड़ा नगर परिषद, उससे बड़ा नगर निगम, हमारे नगर परिषद को नगर पालिका भी बोलते हैं, नगर निगम को तो नगर निगम भी बोलते हैं, तो नगर निगम बड़े शहरों में बनता है, नगर पालिका छोटे शहरों में बनता है, नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्र या कस्बा, मतलब समझ रहे हैं आप क्या, संक्रमणकालीन क्षेत्र या नगर पंचायत वैसे क्षेत्रों में पाया जाएगा जो गाँव और शहर के बीच का क्षेत्र हो,
जहाँ गांव और शहर दोनों की आधी जनसंख्या मिलजुली टाइप की रहती हो, है ना। आज समझाता हूँ आपको, देखिए कि भाई नगर पंचायत कहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए पूरे गांव है, और बहुत सारे गांव भरे हुए हैं, और यहाँ से पूरा ऐसा शहर है, ये पूरा इधर शहर है शहर भाई, मगर इसकी स्थान भी बीच में तो बहुत जनसंख्या रहती होगी ना, जिसके गांव और शहर दोनों को मिले जुले रूप में है। तो यहाँ पर तो आपको भाई ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत बन जाएगा, मगर इसको बनेगा, यहाँ बनेगा नगर पंचायत, फिर ऐसे छोटे छोटे शहर होंगे उन बनेगा नगर पालिका, और फिर जो बड़ा शहर होगा इसमें बनेगा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। क्लियर? तो संक्रमण कालीन क्षेत्र या कस्बा क्षेत्र इसलिए लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बातें? आइए तो त्रिस्तरीय संरचना है, आप देख भी लिए। आगे बढ़ते हैं, राज्यपालीन क्षेत्रों की घोषणा कि भाई कौन सा क्षेत्र आपका कस्बा में आएगा, कौन छोटे शहर में, कौन बड़े क्षेत्रों में, तो राज्यपालीन क्षेत्रों की घोषणा स्वराज्यपाल ही इन क्षेत्रों की घोषणा करते हैं। पहले बात तो ये नियम क्वेश्चन जान लीजिए, पूछ लेगा कि नगर पंचायत ये आपका नगरीय निकाय के क्षेत्रों की घोषणा कौन करते हैं या उनके क्षेत्रों का निर्धारण कौन करते हैं, तो आप बोलेंगे राज्यपाल। कैसे करते हैं? तो अब आएंगे कि राज्यपाल इन क्षेत्रों की घोषणा अधिसूचना के माध्यम से करते हैं, अधिसूचना जारी करके, जिसमें निम्न तत्वों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे क्षेत्र की जनसंख्या, कि क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, वो कैसे घोषित करेंगे कि भाई कौन सा नगर पंचायत के क्षेत्र में आएगा, कौन सा नगर परिषद के, कौन सा नगर निगम के। तो ध्यान देते हैं किन बिंदुओं को, तो क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में देते हैं, जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में देते हैं, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रतिशत को ध्यान देते हैं कि भाई यह कृषि में नहीं, कृषि से छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में रोजगार में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, आर्थिक महत्व क्या है उस क्षेत्र का, वहां से प्राप्त राजस्व कितना है, ये आदि आधार पर ध्यान देते हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर ही राज्यपाल जी निर्धारित करते हैं कि कौन सा क्षेत्र नगर पंचायत होगा, कौन सा नगर परिषद होगा, कौन सा नगर निगम होगा। और उसका जब डिसाइड हो जाता है तब राज्यपाल जी अधिसूचना जारी करके, घोषणा करके उस क्षेत्र को डिसाइड कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? यस। तो बिंदु याद रखिए, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रतिशत, आर्थिक महत्व एवं वहां से प्राप्त राजस्व। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान के 74वें संशोधन का संबंध है नगरीय निकाय से, केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, नगर पालिका से, नगर पालिका से। डी खत्म। आप पढ़े थे तो साल पी से जेड जी तक में आपके 18 मत है, वही वाला बात यहां पे आ गया है। ठीक, देखिए जेड जी गिन लीजिए, 1, 2, 18 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो नगर पालिका भैया उनके टोटल 18 अनुच्छेद, समझिए नगर पालिका अंतर 18 विषय है, 18 मद है, ये बात को बोलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। आइए आते हैं, तो जैसे अब उसको उससे ग्राम पंचायत वाले से जो थे ना, ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, उसे जोड़ के पढ़िए तो आपको बहुत आसान होगा इसको समझने में थोड़ा। जैसे 243 में था क्या परिभाषा, तो हम 243 पी में क्या है केवल परिभाषा, ऐसे भी P4 परिभाषा, इनको याद रखना जरूरी है, याद रखिए इनको, जैसे मन वैसे ट्रिक बनाइए और इनको याद रखिए। 243 पी में क्या था परिभाषा, P4 परिभाषा आता है। क्यू में क्या था, नगर पालिकाओं का गठन, तो क्यू गठन। जैसे वहां क्या था, ए में ग्राम सभा था, बी में गठन था, तो ऐसे वहां बी में गठन था, या पी है और क्यू है, तो ए में ग्राम सभा, बी में गठन था, तो बी में गठन था या क्यू में गठन है, नगर पालिकाओं का गठन। ग्राम सभा में B4 गठन, बी गठन था, है ना, ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में बी में गठन था, 243 बी में गठन था, या क्यू में है गठन, तो बी क्यू गठन, है ना। अब सी आर संरचना, उसके सी में संरचना था या इसके आर में संरचना, तो सी आर संरचना। ठीक, डी टी आरक्षण, उसके डी में आरक्षण था या टी में आरक्षण है। ठीक, ईयू अवधि, तो उसकी ई में अवधि था, इसके यू में अवधि है। उसके एफ वी, एफ में उसका योग्यता है, एफ वी अयोग्यता, यहां निर्धारता है, अयोग्यता है, वी में है, वी में एफ वी अयोग्यता। जी डब्ल्यू, डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी, जी में शक्ति थी या डब्ल्यू में शक्ति, तो डब्ल्यू जी में शक्ति है, तो शक्तियां, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। चलिए, आपको याद होगा ना, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, वो याद कराया हूँ, ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, ये सब याद करवाए, वैसे ही याद रखना, और उसको इसके साथ लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा दोनों साथ साथ में, है ना। वहां केवल 243 में परिभाषा था, 243 पी में परिभाषा, तो P4
परिभाषा, ये तो आप खत्म हो गया। वहां बीम गठन था या क्यूब गठन, तो बी क्यू गठन, एक सर बी क्यू गठन, तो बी क्यू गठन, ठीक। जो बी से आपको बी गठन तो याद है, उसके साथ क्यू को भी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बी क्यू गठन, बी क्यू गठन। पंचायती राज वाले में बी में गठन, नगरी निकालो क्यू गठन, तो बी क्यू गठन, तो बी क्यू गठन। उसके सी में संरचना था, तो सी आर संरचना, इस उसके सी में संरचना था तो इसके आर में संरचना है, तो वही संरचना। पंचायती राज के सी में 243 सी में संरचना, इसके 243 आर में संरचना, नगरी निकाय वाले के, तो वही सी आर संरचना, ठीक। डी टी आरक्षण, उसके डी में आरक्षण था, इसके टी में आरक्षण है, देखिए डी टी है, टी है, तो उसके डी पंचायती राज के डी में आरक्षण था, इसके टी में आरक्षण, तो डी टी आरक्षण, ऐसा क्योंकि डी में आरक्षण था तो आपको टी अभी जोड़ के रखेंगे, तो हो जाएगा बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, है ना। यू ई यू ई यू ई यू क्यों, उसके ई में अवधि था, इसके यू में अवधि है, अवधि है, अवधि है, अवधि, ई यू नगर पालिकाओं की अवधि कब तक रहेगी, तो ई यू अवधि, ई में अवधि था या यू में अवधि, ई यू अवधि, ई यू। बी क्यू गठन, सी आर संरचना, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ई यू अवधि। एफ वी अयोग्यता, वहां एफ फॉर फेलोर था, फेलोर माने अयोग्यता था, या वी में भी अयोग्यता है, तो सदस्यों के लिए निर्धारता है या अयोग्यता है, तो एफ वी अयोग्यता। तो डब्ल्यू जी शक्ति, डब्ल्यू जी आपके में कितनी शक्ति है, तो वहां जी में शक्ति थी, तो डब्ल्यू में शक्ति हो, तो देखिए यहाँ पर शक्तियां आ गई, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यस, इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो बी क्यू गठन, बी में गठन था इसलिए क्यू जोड़ दिया, बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ई यू अवधि, एफ यू योग्यता, डब्ल्यू जी शक्तियां, ये क्या बचा है, एस, एस है स्पेशल, स्पेशल एस फॉर स्पेशल में क्या है, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना, तो इसमें देखिए पहले गठन फिर संरचना, और इसमें वार्ड समितियों के लिए, वार्ड समितियों के लिए गठन और संरचना, तो इसमें आपको गठन संरचना ध्यान नहीं देना है, या मेन ध्यान देना है आपको वार्ड और समिति पे, वार्ड और समिति, तो एस में क्या है स्पेशल बने हुए वार्ड, स्पेशल बनी हुई सभा वार्डों की समितियां, तो वार्डों की स्पेशल बनी हुई समितियां, एस पर स्पेशल बनी वार्डों की समितियां, स्पेशल बनी हुई वार्डों की समितियां, सर क्या याद रखेंगे, तो आपको भैया पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू तक याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो भूसे भू से दोहराइए। 243 पी, पी फॉर पी, पी फॉर परिभाषा, बात खत्म, पी फॉर पी, P फॉर परिभाषा, P के बाद क्या आता है सर, P और Q आता है, तो B Q गठन, तो B और Q में गठन है, देखिए B Q में गठन, सर C R संरचना, तो सर C R संरचना, S फॉर स्पेशल वार्ड समिति, तो S फॉर स्पेशल वार्ड समिति, D T आरक्षण, तो D T आरक्षण, E U अवधि, तो E U अवधि, F V अयोग्यता, तो F V अयोग्यता, डब्ल्यू जी शक्ति, डब्ल्यू जी में बहुत शक्ति है, पार्ले जी खा के बहुत शक्ति आती है, तो डब्ल्यू जी शक्ति, तो डब्ल्यू जी शक्तियाँ, ऐसे ही याद रहने वाला है आपको, ऐसे में आप इतने सारी चीजों को याद रखने चलेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए ऐसे याद रख लीजिए बना बना के, है ना। तो बी क्यू गठन, सी आर संरचना, डी टी आरक्षण, ई वी ई यू अवधि, एफ वी आर अयोग्यता, यस, और दोनों का आपको एक साथ याद भी रह जाएगा। आइए इधर एक्स, नगर पालिकाओं द्वारा कर, देखिए वहां क्या था, वहां एच था ना, हाँ तो वहां एच में कर था या एस में है, तो एच एक्स कर, एच एक्स कर, वो एच में कर था कि कर मिले, सब हाय हाय करते हैं, क्या कर किसी से लेते हैं हम, टैक्स वसूलते हैं सरकार, तो क्या करता है सब हाय हाय करते हैं, तो एच पर हाय हाय था, वैसे ही हाय हाय कर, ऐसे ना करके हाय ऐसे कर, ऐसे बस एक्स बन गया हाय हाय हाय, तो बस हो गया भैया एच एक्स में कर। वहां आई में था वित्त, आई फॉर इनकम में वित्त था, आई वाई में वाई फॉर आई वाई, तो आई वाई एक संजम जम भी रहा, आई वाई में वित्त, वित्त आयोग, उसमें आई में इनकम माने वित्त था, आई फॉर इनकम में पंचायती राज के, या वाई फॉर वित्त, तो आई वाई वित्त, आपको इनको ही बस मेरी बात समझ में आ रही हो, जिनको पिछले मेरा क्लास पढ़े हुए हैं, जिसमें पंचायती राज का विषय उनको याद करवाया हूँ, तो जो पढ़े उनको ही याद होगा बस, बाकी सब उससे मतलब भी नहीं है भैया, जो पढ़ नहीं रहे कंटिन्यू उससे क्या मतलब है मुझे, है ना। आइए फिर आगे जेड, वहां जे था, जे फोर जांच होता था, जे फोर जांच पंचायती जे में जांच होता था, या जेड में जांच, तो जे जेड जांच, जे जेड जांच, देखिए जांच ऐसे भी जांच हो रहा है, जांच तो संपरीक्षा करना होना, जांचना कि नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा करना होना, जांचना होता है, तो जे जेड जांचना हो गया। अब बात खत्म वहां से, अब आगे क्या है, अब ऐसा कि दोस्त जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई और जेड जी, अब इसको अलग याद रख लीजिए।
वहां क्या निर्वाचन, वहां निर्वाचन था के में, वहां क्या निर्वाचन था के में, है ना। यहाँ किसमें निर्वाचन, यहाँ जेड ए में निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 या जेड ए, जन्म इसमें क्या बोलेंगे भैया, उसमें के में निर्वाचन था पंचायती राज के, 243 के में निर्वाचन था, और इसके किस में है, जेडे में, तो कजा इसके जेडे में निर्वाचन है। वहां क्या था भैया आपका, L4 लागू, एल में था लागू होना, यहाँ किस में लागू है, जेड बी में, तो के एल जेड बी, एल जेड बी में लागू होना है। वहां L4 लागू था उसमें पंचायती राज में, जेड बी में है लागू होना, इसलिए एल जेड बी लिख दिया मैं। और M4 जो कि एल एम एल के बताया था, M4 लागू होने से मना कर रहा था, यहाँ जेड सी में मना कर रहा है, लागू बाद ही लागू मना करना था, L4 लागू होना, M4 लागू होने से मना करना, तो मना कर दिया मतलब लागू ना होना, L4 लागू होना था, L4 लागू होना तो जेड बी में लागू होना, M4 मना करना लागू होने से, तो लागू ना होना मतलब जेड सी, M4 मना कर दिया लागू होने से, तो एम जेड सी। 243 में अब जेड डी में आते हैं, जेड जी में जिला योजना के लिए समिति, वहां पे नहीं थे, नए हैं, यहाँ कुछ अलग से एक्स्ट्रा है, इनको अलग याद कर लीजिए। तो जेड डी क्या है, तो जेड डी है भैया आपके जिला योजना के लिए समिति। फिर जेड ई क्या है, तो जिला स्तर पे योजना के लिए समिति है, और जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति, तो इसमें जिला योजना के लिए समिति, यहाँ महानगर योजना के लिए, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जेड एफ क्या है, विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बने रहना, तो नगर पालिका बने रहेंगे, जो कोई नहीं हटा सकता, तो वहां था एन पे, एन पे था ना, वहां पे एन पे था कि नहीं हटा सकते, मैं बने रहूंगा, एन जेड एफ, यहाँ जेड एफ में है, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं बने रहूंगा, बने रहना। और जेड जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप न करना, वहां ओ में था, क्योंकि मैंने न्यायालय ओ को मैं ऐसे न बना करके बोला था, ओ को ऐसे मैं न बना के बोला था कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसे करके बनाया था, याद है, हाँ, तो उसका ओ में था, तो यहाँ भी ओ में ही था, न्यायालय का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप वाला कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, तो ओ के साथ यहाँ जेड जी में है, ओ जेड जी, क्लियर बातें। इस तरीके से बस केवल उनको ही ये समझ में आया होगा जो बताया हूँ मैं अभी, जो भैया मेहनत किए हैं पिछले क्लास को कंटिन्यू देखे, उनको ये समझ में आया होगा, और उनके लिए आसान होगा ये याद करना। तो मैं इनको पंचायती राज वाला और ये वाला दोनों साथ में याद करवाया हूँ पैरेलली जोड़ जोड़ के, इसलिए उनको जिनको पढ़े उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल, एग्जाम फटाफट वो बना के आएंगे, और जो पहली बार इसी क्लास को देख रहे हैं उनको भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये पहले बता रहा हूँ मैं। आइए अब इसे, अब इन सबसे हट करके, ये विषय आपके हो गए है ना, तो इन 18 विषयों का आपको ध्यान रखना था, ठीक। तो P4 अब इसको सिंगल सिंगल भी याद करवाता हूँ, आइए सिंगल सिंगल भी इनको याद करवा देता हूँ। तो P4 परिभाषा, क्यू गठन, क्यू गठन करना है भाई, क्यू गठन करना है आपको किसी चीज का, तो क्यू में, तो 43 क्यू में गठन है। संरचना R, संरचना में र आता है, संरचना में र, संरचना R का र, संरचना का र, सर सर र से आर। वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना, ये स्पेशल वाला है, वार्ड समिति स्पेशल है, तो स्पेशल वार्ड समिति वाला इसमें आ गया, सॉरी स्पेशल वार्ड समिति, किसमें क्या क्या आपको याद रखना जरूरी है। T4 क्या बोल रहे हैं भाई, T4 कि मुझे भी आरक्षण चाहिए, मगर कैसा, ट्रिपल आरक्षण, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ट्रिपल आरक्षण, तो T4 ट्रिपल आरक्षण चाहिए, क्या चाहिए, ट्रिपल आरक्षण, ट्रिपल आरक्षण चाहिए। यू बोल रहे क्या, यू यू क्या बोल रहे हैं, यू टर्न ले लो अब तुम्हारा, क्यों यू टर्न ले लो, कि तुम्हारी अवधि समाप्त, अब तुम यू टर्न ले लो, यू टर्न ले लो, यू टर्न की तुम्हारी अब अवधि समाप्त हो गई, तो यू में अवधि हो गया, यस, यू टर्न ले लो कि तुम्हारी अवधि समाप्त हो चुकी है, अब तुम अपने पद से हटने वाले हो। वी में क्या बोल रहे हैं, वेरी बैड, अर्थात वी फॉर वेरी बैड, मतलब अयोग्य है आप, अयोग्य है, वेरी बैड है आप, आप निरर्थता है, निरर्थता का मतलब अयोग्य है आप, तो सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, वो सब चीज है, तो वी फे आपके भैया कि आप वेरी बैड हो चुके हैं, अयोग्यताएं बता रहा है, ठीक है। डब्ल्यू क्या बोल रहा है कि पार्ले जी खा के मेरे शक्ति आता है, तो डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू जी, आप भी खाइए पार्ले जी, तो डब्ल्यू जी में शक्ति, तो डब्ल्यू जी में शक्ति है, डब्ल्यू जी में बहुत शक्ति है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ लड़ने वाले जो लोग लड़ते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू डब्ल्यू ई, उनके बहुत शक्ति होती है, डब्ल्यू डब्ल्यू लड़ने वाले में बहुत शक्ति होती है। इस तरीके से भी आपको याद रखना तो रखिए, मगर याद रखना जरूरी है, इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, हर एक तरीके से बताने की कोशिश
कर रहा हूं, क्योंकि पढ़े और याद नहीं रहा तो मतलब नहीं। एक्स कर बोले ना, जब किसी से कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं ऐसे हाथ क्रॉस करके, अरे बाप रे बाप क्यों कर ले लिया था, एक्स है हाथ क्रॉस, चलो एक्स बन गया, यस। तो कर वाले में एक्स, वाई बोला है, वाई कितना पैसा मिलेगा, वाई दिस को लाइवरी, वाई मतलब इतना पैसा क्यों मिला है तुम्हें, वाई वाई इतना पैसा, वाई वाई इतना पैसा, वाई वाई माने वित्त वित्त वित्त, वाई से वित्त, वाई से वित्त, यस। जेड से क्या है, जेड 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 मन जेड 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 मन जांच, जेड 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 से जांच, तो भाई जेड 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 से जांच मैंने संपरीक्षा होगी या जांच होगी, ये जे में वहां जाता है जेड में जांच हो गया, यस। फिर भाई जेड तक खत्म हो जाते हैं, जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी सब में, तो जेड ए में आते हैं, जेड ए में क्या है, जेड ए में है निर्वाचन, कह रहे तुमको कुछ भी करना है तो तुमको पहले नगर निगम में सबसे पहले, अंत में नहीं अंत के भी सबसे पहले में तुमको, जैसे ही नगर पंचायत का अब कार्यकाल खत्म होने वाला, उससे पहले ही, तो खत्म होने वाला कार्यकाल माने जेड जेड अंत में आता है ना एबीसीडी, हाँ सर, खत्म होने वाले में फिर से शुरुआत ए, तो आपके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही फिर से निर्वाचन होता है, इसलिए जेड ए में निर्वाचन। संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, तो बोला कि जेड बी, क्या हर एक चीज लागू हो जाएगा, बना बनाया लागू हो जाएगा, जेड बी बी फोर बना बनाया लागू हो जाएगा, जेड सी लागू नहीं होने दूंगा काट दूंगा, सी फोर काट दूंगा सब चीज को, तो लागू नहीं होने दूंगा सब चीज काट दूंगा, जेड डी जिला योजना के लिए समिति, तो जेड डी में है, डी फोर है, डी फोर डी फोर तो डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट माने जिला, तो जिला योजना के लिए समिति, ई फोर भाई आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी शहर माने महानगर, तो एक्स्ट्रा ई फोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी शहर मतलब महानगर योजना के लिए समिति, हो गया, यस क्लियर। ऐसे याद रखिए, जैसे बनाना बनाइए याद रखिए, मगर अब दोस्त वाली जेड एफ, एफ में बोला भाई आपको उसका बने रहना, जो कभी फेल नहीं हो सकता वो हमेशा बने रहेगा, विद्वान विधियों और नगर पालिकाओं का बने रहना, वो हमेशा फेल नहीं होगा, हमेशा बने रहेगा, वो फेल नहीं हो सकता वो बने रहेगा, क्योंकि देखिए जेड आने के बाद भी फिर से एफ आ गया, मैंने हमेशा से बना हुआ है, वो बना हुआ उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, जो विद्वान विधि और नगर पालिका है उसका बने रहना, जेड के बाद खत्म होता है इसी नंबर, फिर भी एफ आ गया मतलब हमेशा के लिए बने रहेगा वो, फिर लास्ट होता है जेड जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्त, न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, तो जी मतलब न्यायालय जी आप हस्तक्षेप कीजिएगा, कोई बवाल हो जाएगा निर्वाचन तो न्यायालय जी आपको हस्तक्षेप कीजिएगा, जब निर्वाचन समाप्त होकर कोई बवाल हो जाए तो निर्वाचन समाप्त तो मतलब जेड, क्योंकि एबीसीडी की समाप्ति में आता है जेड, समाप्त होकर कोई बवाल हो तो न्यायालय जी, तो जेड जी न्यायालय जी का हस्तक्षेप। चलिए इस तरीके भी पूरा 18वीं समय आपको 2 बार बताया, जैसे याद रखना रख लीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, मगर याद रख लीजिए अपने तरीके से याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, क्या बोल रहे हैं, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन आपके सामने 73वां और 74वां संशोधन, 82वां और 83वां संशोधन, 72 और 73 संशोधन, 74 और 75 संशोधन, लिख के दिखाया शुरू में बोर्ड में, आंसर एकदम स्पष्ट है, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज में, 74वां संविधान संशोधन में नगरीय निकाय में, ये महिलाओं के 1/3 सीट के आरक्षण की बात की गई है, क्लियर, यस। 18 विषय, अब 18 विषय देख लीजिए भैया आपके कौन कौन से 18 विषय हैं, जैसे आपके पंचायती राज में 29 विषय थे है ना, वो कृषि पशुपालन मछली पालन ऐसे करके लघु कुटीर उद्योग, वैसे आपके नगरीय निकाय में कौन कौन से विषय हैं देखिए ध्यान से, क्योंकि नगरीय निकाय कहने के नगर शहर की ओर आ रहा है, तो शहर में आदमी साफ सफाई पसंद करता है ना, इसलिए साफ सफाई, जल आपूर्ति भाई शहर में सभी लोगों तक जल पहुंच सके, जल आपूर्ति, भवन निर्माण की, शहर में बड़े बड़े भवन बने रहे तो भाई भवन निर्माण, पार्क निर्माण हुआ रहे, बगीचा बना रहे, ये सब तो खासियत है ना शहर का, यस। सांस्कृतिक आयोजन की, शहरों में बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन जैसे राज्योत्सव हो रहा है आपका, चक्रधर समारोह होता है वैसे ही, अग्निशमन सेवाएं कि भाई यहाँ पे फायर ब्रिगेड की फैसिलिटी रहे शहरों में रहती है, शवदाह गृह यहाँ पे आपका शव को दहन करने का स्थान बने रहे इसलिए बना रहता है, पशु स्वबूचड़ खाना, पशु स्वबूचड़ खाना मतलब जहाँ पशुओं को मारा काटा जाता है वो स्थान का निर्माण करना कि कहीं भी पशुओं का लाश वाश ना पड़ा रहे,
कोई 18 विषयों में से कुछ महत्वपूर्ण विषय थे वो। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में कितने विषय शामिल है, या तो 18 विषय शामिल है, क्योंकि भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में नगरीय निकाय है और नगरीय निकाय में 18 विषय शामिल है। अगर 73वां संविधान संशोधन बोलता तो उसमें पंचायती राज आता है जिसमें 29 विषय शामिल है, क्योंकि 74वां बोला इसलिए 18 विषय शामिल, इसलिए आंसर बी। संरचना, इन सभी का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, मतलब इसमें सभी स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एवं नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है। सब बातों को ध्यान रख लीजिए, जो भी नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है। राज्य विधानमंडल इन परिषदों में मनोनयन भी कर सकते हैं और मनोनयन उन व्यक्तियों का होता है जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं, और इसमें सभी का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य भी इन परिषदों के सदस्य होते हैं, तो जो लोकसभा और राज्य विधानसभा होंगे उनके सदस्य भी इन परिषदों के सदस्य होते हैं, वे सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा व विधान परिषद सदस्य भी इनके सदस्य होते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम होता है। यहां देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लोअर, जो लोअर निम्नतम न्यायालय है ना, इसका उच्चतम न्यायालय वो न्यायालय बोल रहा हूँ, निम्न सभा है, तो निम्न सभा में लोकसभा और राज्य विधानसभा आती है, तो वहां पे चुनाव क्षेत्र मैटर करता है। और जो आपका उच्च सदन है, राज्यसभा या विधान परिषद केंद्र में राज्य में, वहां पे आपके मतदाता सूची में नाम होगा तब आप सदस्यता ले सकते हैं। यहाँ पर चुनाव क्षेत्र पड़ेगा तो आप सदस्यता ले सकते हैं, यहाँ पे आपका मतदाता सूची में नाम होगा तो आप सदस्यता ले सकते हैं। समितियों के अध्यक्ष भी इनके सदस्य होते हैं, समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इनके सदस्य होते हैं। नगर क्षेत्र समिति, महानगर नियोजन समिति, वो भी इनके सदस्य होते हैं, किनके, नगरीय निकायों के, नगर निगम। नगर निगम का गठन वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर आदि में स्थापित किया गया है। यदि इनका क्षेत्र यूनियन टेरिटरी में आता है, यूटी में आता है, तो उसके लिए संसद अधिनियम बनाती है, यदि यूटी में नहीं आता है तो राज्य विधानमंडल बनाती है। अर्थात कहने का मतलब, क्योंकि यूटी में आ जाएगी अर्थात कोई भी आपका चुनाव क्षेत्र, मतलब ये नगर निगम अगर आपके केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में आ जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर आपका राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में संसद कोई भी नियम कानून बनाती है, यस। मगर अगर वो केंद्र शासित प्रदेश और वहाँ विधानसभा है तो वो खुद अपना नियम कानून बनाएंगे वहाँ नगर निगम से जुड़ा हुआ, ठीक है। और अगर वो यूटी में नहीं राज्य में आ रहा तो वो खुद अपना विधानसभा वहाँ की बना लेगी, वही बात क्या बोल रहा है, अगर यूटी केंद्र शासित प्रदेश में तो भाई केंद्र सरकार को हक है, और केंद्र शासित प्रदेश में वो क्षेत्र नहीं आता है, नगर निगम का क्षेत्र नहीं आता है, तो राज्य विधानमंडल बनाती है इसके सारे नियम कानून। नगर निगम में प्राधिकरण, देखिए कौन कौन से प्राधिकरण होते हैं, परिषद, नगर निगम परिषद और नगर निगम आयुक्त, ठीक है, तो नगर निगम परिषद और नगर निगम आयुक्त और स्थायी समितियां। तो यहाँ जो जो इस प्राधिकरण होते हैं वो सब देख रहे हैं आप, एक परिषद, एक आपका आयुक्त और भाई आपके स्थायी समिति। तो परिषद, आप परिषद को हम थोड़ा जान लीजिए, भैया बोले परिषद क्या होता था, देखते हैं नगर निगम में। परिषद, महापौर इसका अध्यक्ष होता है, तो नगर महापौर जो होता है वो नगर निगम परिषद का ही अध्यक्ष होता है। इस महापौर की सहायता के लिए उप महापौर होता है, इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जैसे आप खुद अपने आसपास महापौर के चुनाव में पार्टिसिपेट करते होंगे और महापौर के चुनाव में आप वोट देते भी होंगे, तो जो महापौर चयनित होते हैं वो नगर परिषद के वो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, है ना। हाँ, स्थायी समितियां, परिषद के बाद आगे कुछ स्थायी समिति पीछा पड़ती, स्थायी समितियां, ये समितियां निगम की सहायता के लिए बनाई जाती हैं, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ये समितियां कार्य करती हैं, ठीक। आयुक्त, अभी आयुक्त देख लीजिए, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, बोले ना नगर निगम का आयुक्त, ये नगर निगम आयुक्त हैं, ये नगर निगम महापौर हैं, ये आपकी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, तो इस तरीके से तीनों चीज देखिए, नगर निगम परिषद के अध्यक्ष, महापौर, स्थायी समिति तो अलग हो गई, और आयुक्त और नगर निगम के आयुक्त होते हैं, और इन नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। देखिए महापौर को तो हम लोग चयनित कर चुन रहे थे, निर्वाचन में भाग लिए थे, तो मगर नगर निगम के जो आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार सामान्य आईएएस अधिकारी होता है, इस आयुक्त का कार्य परिषद व समिति के निर्णय को क्रियान्वित करना होता है, मतलब बोल रहा अगर आपका नगर निगम कहाँ बन रहा है,
केंद्र शासित प्रदेश में तो हाँ, जो सामान्य आईएएस अधिकारी होते हैं वही सब चीज हैंडल करते हैं, सामान्य आईएएस अधिकारी होते हैं आयुक्त के पद पे, है ना। और आयुक्त का काम होता है, उनका आयुक्त का कार्य है परिषद व समिति के निर्णय को क्रियान्वित करना। जो भी परिषद निर्णय ले और जो भी समिति निर्णय ले उनके निर्णयों को क्रियान्वित करना, मतलब उसको लागू करना, उसके आधार पर काम करवाना। आते इधर, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार पार्षद होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं। पार्षद क्या होते हैं? पार्षद के आप वोट दे रहे हैं तो आप किसी चीज को निर्वाचित कर रहे हैं, तो निर्वाचित होते हैं ना पार्षद। यस। नगर परिषद पे अब आ जाते हैं, ठीक। नगर निगम आप देख लिए थे, नगर निगम पे आप देख लिए पूरा संरचना, महापौर वाला, नगर निगम आयुक्त वाला, नगर निगम आप देख लिए। अब नगर परिषद देख रहे हैं आप, है ना, जिसको आपके यहाँ नगर पंचायत, नगर पालिका, तो नगर पालिका की जगह नगर परिषद होता है, ठीक। यस, याद रखेंगे। तो आप भाई नगर निगम में देख लिया, आपके महापौर हैं, नगर निगम आयुक्त हैं और आपकी स्थायी समितियां हैं। अब नगर परिषद के स्तर पे हम आते हैं, क्लियर भाई। अन्य नाम नगर पालिका बोलते हैं, बोला नगर परिषद को ही नगर पालिका ही बोलते हैं, नगर समिति भी बोलते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड भी बोलते हैं, क्लियर। नगर समिति, म्यूनिसिपल बोर्ड भी आदि सब बोलते हैं इनको, किसको? नगर परिषद को। एक नगर निगम होता है, एक नगर परिषद होता है, एक नगर पंचायत होता है। ओके, नगर निगम जो होता है भैया तो नगर निगम ही है। नगर पालिका जो है, नगर इस नगर परिषद को नगर पालिका भी बोलते हैं, जो आप जनरली छत्तीसगढ़ में सुनते हैं। और एक आपका हो जाएगा इसके नीचे नगर पंचायत। यदि यूटी में, यूनियन टेरिटरी में हो, कौन? नगर परिषद, तो अधिनियम संसद के द्वारा, यदि राज्यों में हो तो राज्यों के विधानमंडल के द्वारा। कहने का मतलब वही बात बोल रहे हैं कि अगर नगर परिषद या नगर पालिका का जो क्षेत्र है अगर वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है तो भैया वहां पे संसद नियम कानून बनाएगा, है ना। और अगर वो आपके किसी राज्य में, तो वहां राज्य का विधानमंडल नियम कानून बनाएगा। आप प्राधिकरण देख लीजिए, यहाँ भी कौन कौन से प्राधिकरण है। यहाँ भी आपका परिषद होता है, नगर परिषद, स्थायी समितियां, यहाँ भी कुछ स्थायी समितियां होती हैं। और यहाँ भी आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। याद रख, जैसे जैसे पहले भी आप पीछे क्या पढ़े, पीछे पढ़ते परिषद, फिर स्थायी समिति, फिर यहाँ पढ़े थे नगर निगम आयुक्त, तो पढ़े थे। अब आयुक्त के पद को हट के नगर निगम में आयुक्त तो था, और अब जैसे आप परिषद में आते हैं तो आयुक्त का पद हट के हो जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाता है। आइए इन तीनों बार देख लेते हैं। परिषद, इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि उसमें आपके परिषद जब था नगर निगम में तो आपके महापौर का चयन किया जा रहा था, यहाँ पे इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। हमेशा ही परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाएगा, तथा इसे नगर पालिका की विधायी संस्था भी कहा जाता है। क्या? नगर पालिका की विधायी संस्था, मान सारे विधि विधान यही से बनेंगे। इसके अध्यक्ष के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं, परिषद के अध्यक्ष के पास। अब स्थायी समितियां, ये समितियां परिषद की सहायता के लिए बनाई जाती हैं। ये समितियां कराधान वित्त आदि के कार्यों को देखती है, मतलब कर जो लगाना, उसको वसूलना, ये वित्त वित्त वाले काम को देखती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम के स्तर पर आयुक्त होता है, परिषद के स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, जैसे उसमें भी ना राज्य सरकार करती है, यहाँ भी राज्य सरकार ही करती है। तथा इसका मुख्य कार्य प्रतिदिन के प्रशासन को देखना होता है, इसका मेन काम ही है, ये प्रशासन को देखे वेखे और सब चीज करे। जैसे उसमें काम क्या था आयुक्त का, कि परिषद और समिति के बीच के जो कार्य है, जो कार्य लोग डिसाइड किए, उस कार्य का क्रियान्वयन करना, उनके निर्णयों का क्रियान्वयन करना, इनका काम भी वही है। अब आते हैं दोस्तों नगर क्षेत्र समिति, समिति को देख लीजिए। छोटे छोटे शहरों में प्रशासन के लिए इन समितियों को गठित किया जाता है, मतलब छोटे छोटे शहरों में प्रशासन के लिए, कोई बहुत छोटे छोटे शहर है तो प्रशासन चलाने के लिए नगर क्षेत्र समिति गठित की जाती है। तो छोटे छोटे शहरों में प्रशासन के लिए इन समितियों को गठित किया जाता है, यह अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण कहलाते हैं। यही जो नगर क्षेत्र समिति है यह अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण कहलाते हैं, मतलब नगर पालिका का आधा, इसलिए अर्ध मैंने आधा, किसके आधा? नगर पालिका के आधा, अर्थात नगर पालिका से भी कोई छोटा क्षेत्र है, नगर पंचायत से बड़ा है, दोनों बीच का संक्रमण टाइप का, तो अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत कहलाता है, वो इसी को नगर क्षेत्र समिति कहते हैं। तो नगर क्षेत्र समिति बोलिए चाहे अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण बोलिए, यही बात है। इस समिति का कार्य जल निकासी, सड़क आदि की देखभाल करना होता है। क्या काम होता है इस नगर क्षेत्र समिति का काम? जल को व्यवस्था देखना, निकासी का, जल विकास निकासी का व्यवस्था देखना, सड़क का आदि का देखभाल करना होता है। इन समिति की स्थापना राज्य विधानमंडल के द्वारा की जाती है, इसके सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होंगे।
इसके सदस्य निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। इस समिति की स्थापना राज्य विधानमंडल के द्वारा ही की जाती है, राज्य सरकार को पूरा अधिकार है इस पे। एवं इसके सदस्य निर्वाचित भी होते हैं या मनोनीत होंगे, यह राज्य विधानमंडल पर ही निर्भर करता है। क्यों, नगर क्षेत्र समिति के सदस्यों को निर्वाचित करवाना चाहता है कि मनोनीत करना चाहता है खुद से, वो डिपेंड करता है राज्य विधानमंडल पे ही। अब कुछ नगर क्षेत्र समिति की बात आप देख लीजिए। अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या है? अधिसूचित क्षेत्र समिति देख लीजिए, है ना। इस समिति की स्थापना तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के कारण की जाती है। क्या, इस समिति की स्थापना तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के कारण की जाती है। जब बहुत तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है किस क्षेत्र का, तो आप अधिसूचित क्षेत्र समिति का स्थापना करते हैं। वह क्षेत्र अब तक नगर पालिका की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इस क्षेत्र समिति की स्थापना सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से की जाती है तथा इसके सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें मनोनीत ही होंगे सदस्य, वो भी राज्य सरकार ही मनोनीत करेगा। मनोनीत का मतलब क्या है कि राज्य सरकार अपने मन से अधिकारी लोगों को चयनित करके वहां की कुर्सी पर बैठा देगा, ये बात बोल रहे हैं। और इस समिति की स्थापना बस कब होगी, जब नगर पालिका की शर्तों को पूरा नहीं करता है, अर्थात जब नगर पालिका बनने की शर्तें जो हैं कि अगर ये चीजें रहेंगी तो आप नगर पालिका बन सकते हैं, तो नगर पालिका बनने की जो शर्तें जब वो पूरा नहीं हो पा रही है तब, और तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है तब, दो चीज ध्यान रखेंगे, नगर पालिका बनने की शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है तब, और जब तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है तब, ये दो चीज देखते हैं तो हम अधिसूचित क्षेत्र समिति का निर्माण करते हैं। और इसके जितने अधिकारी अधिकारी हैं सबको राज्य सरकार जो होती है वही अपने द्वारा मनोनीत करती है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी शासन से संबंधित भाग है, तो नगर पालिका शासन से संबंधित भाग है किसमें भैया, भाग आठ है, भाग आठ ए है, भाग आठ है, आठ ए है, भाग नौ है, नौ ए है। तो नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी से संबंधित भाग, संविधान का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है, तो नगर पालिका वाला पूछ रहा है पंचायती राज, नहीं पंचायती राज पूछता तो भाग नौ होता, पर क्योंकि नगर पालिका वाला तो भाग नौ ए होगा, नौ ए, नौ ए, नौ ए, इसमें पंचायती राज है नौ में और नौ ए में है नगर पालिका। छावनी बोर्ड पे हम आ जाते हैं, है ना। छावनी बोर्ड सेना के अधिकारियों के रहने के लिए बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, सेना के जो भी अधिकारी हैं उनके रहने के लिए बनाया जाता है छावनी बोर्ड। वर्तमान में भारत में कुल 62 छावनी बोर्ड है। आज तक आपको पता नहीं होगा ना छावनी बोर्ड क्यों बनते, सबको लगता है छावनी बोर्ड बस पुलिस वुलिस लोग रहते हैं, अचानक काम पड़े सब हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़िए, छावनी बोर्ड की सेना के अधिकारियों के रहने के लिए बनाया जाता है। और सेना के अधिकारी क्योंकि भैया मान लीजिए कोई आर्मी वर्मी में बहुत बड़े कर्नल वर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल के पद पे था, अब आर्मी भैया आपका अब आर्मी से रिटायर्ड होकर के अपने रह रहे हैं, तो उनकी जान को तो खतरा है ना, कल को कोई भी आतंकवादी आके उनके घर पे हमला कर सकता है, उनके परिवार पे, उनके फैमिली पे, इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इसलिए उनको छावनी बोर्ड में उनको निवास बना के दिया जाता है कि आप यहाँ रहिए सुरक्षित तरीके से आराम से, ठीक। इसलिए छावनी बोर्ड सेना के अधिकारियों के रहने के लिए बनाया जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 62 छावनी बोर्ड है। छावनी बोर्ड को जनसंख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। छावनी बोर्ड देखिए अलग ही कैटेगरी में आता है, देख रहे हैं आप ध्यान से ना। हाँ, तो इसको इसके जनसंख्या छावनी बोर्ड को जनसंख्या के आधार पर कि किस छावनी बोर्ड में कितनी ज्यादा जनसंख्या है उसके आधार पर इसको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली बार नया नियम पता चल रहा है, नया चीज पता चलेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, कल आने वाले भविष्य में क्वेश्चन बनेगा तो केवल आपसे ही इसका आंसर बनेगा। श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन, श्रेणी चार। अगर श्रेणी एक में कौन आएगा, श्रेणी चार देखें, जिसका 2500 से कम जनसंख्या रह रहा हो वो श्रेणी चार में आएगा, जिसका 2500 से 10,000 तक जनसंख्या रह रही हो वो श्रेणी तीन में आएगा, जहाँ 10,000 से 50,000 तक जनसंख्या रह रही हो श्रेणी दो में आएगा, और जहाँ 50,000 से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है छावनी बोर्ड में वो श्रेणी एक में आता है। अर्थात सबसे कम जनसंख्या वाली छावनी बोर्ड कौन सी है, 2500 से कम वाली। 2500 से 10,000 वाली कौन है आपकी भैया, तीसरे नंबर की। 10,000 से 50,000 वाली कौन है भैया, दूसरे नंबर की। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाली छावनी बोर्ड कौन है, पहली श्रेणी की छावनी बोर्ड है। तो चार श्रेणी होती है, इसके चारों का पैमाना आप ध्यान रखेंगे, 2500, 2500 से 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से अधिक जनसंख्या। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष संबंधित स्टेशन का कमांडर होता है, उससे छावनी स्टेशन का कमांडर होता है, यह पदेन होता है, हमें उसको पद धारण किया जाता है।
दिया जाता है। बाकी सभी सदस्यों को नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिनमें निर्वाचित व नामित दोनों ही सदस्य शामिल रहते हैं। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा भैया? क्योंकि तीनों सेनाओं के कमांडर कौन है? राष्ट्रपति हैं, तो उनके तो जिम्मेदारी है ना सेना के अधिकारियों के लिए। यस, इसलिए इनमें जो भी छावनी बोर्ड के जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, उनके लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है व्यक्ति को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, जो केंद्रीय ग्रुप का अधिकारी होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी कहलाता है। देखिए कितना विचित्र बात है, भाई स्टेट गवर्नमेंट में है छावनी बोर्ड है ना, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी वहां पे काम करते हैं, मतलब कितना इज्जत दिया जाता है। इस अधिकारी का सर्वप्रथम कार्य बोर्ड के निर्णय व प्रस्ताव को लागू करना होता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, इनका सर्वप्रमुख कार्य है जो भी छावनी बोर्ड का निर्णय है और जो भी इसका प्रस्ताव है उसको लागू करवाना अपने छावनी बोर्ड के एरिया में। छावनी बोर्ड का गठन छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 के द्वारा किया गया था, तथा इस अधिनियम में, कब छावनी बोर्ड अधिनियम कितना है, 1924, तथा इस अधिनियम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया व वित्तीय ढांचे में मजबूती के लिए छावनी क्षेत्र अधिनियम 2006 पारित किया गया। तो छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 है, बाद में फिर से छावनी क्षेत्र अधिनियम 2006 पारित किया गया, उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया व वित्तीय ढांचे में मजबूती लाने के लिए। वर्तमान में भारत में कुल कितनी छावनी बोर्ड है? 108, 68, 72, 62। आंसर है डी, 62 छावनी बोर्ड है। अभी तो पता नहीं कितनी हो गई होंगी, है ना? देख लेते हैं एक बार, गूगल में बोल के देखते हैं क्या बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ छावनी बोर्ड इन इंडिया, अभी दोस्तों आपको 64 दिखा रहा है ना, मेरे को 64 दिखा रहा है, तब देख लीजिएगा कहीं 62 भी दिखा रहा है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं 62 दिखा रहा है, कहीं 64 दिखा रहा है। कहीं 62 ही ज्यादा दिखा रहा है, आप चेक करवा लीजिएगा। और उसमें भी सबसे बड़ा जो आपका छावनी बोर्ड है कानपुर का, कानपुर का छावनी बोर्ड सबसे बड़ा है इसमें भी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आज का आपका क्लास समाप्त होता है। हम देख लेते हैं, रिवीजन कराना हो तो एक बार भाग उसके नाम उसके अनुच्छेद रिवीजन करवा देंगे, नहीं तो आज की क्लास में हम समाप्त कर लेंगे। देखते हैं टाइम है कि नहीं, है ना? चलिए टाइम तो है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। एक बार मैं फटाफट आपको रिवीजन करवाऊंगा संविधान के भाग उसके नाम उसके अनुच्छेद, सटा सटा आप भी रिवीजन करते चलिएगा, मैं केवल लिखते चलूंगा आप भी लिखते चलिएगा, क्योंकि लिख के अगर जब टाइम बचेगा मेरा, है ना, साथ साथ में, मतलब आप देखते चलिएगा साथ साथ में, बोलते रहूंगा आप भी दोहराते रहिएगा। जैसे बोला भाग एक संघराज्य क्षेत्र, तो आप बोले भाग एक संघराज्य क्षेत्र, भाग एक संघराज्य क्षेत्र, भाग एक संघराज्य क्षेत्र, ऐसा। फिर जब बोलो भाग दो नागरिकता, तो आप बोले भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, इस तरीके से आप बोलते चलिएगा कंटिन्यू, ठीक मेरे साथ? भाग वाला अगर हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो फिर हम अनुसूची वाले को भी ऐसी रिविजन कर लेंगे। ओके, आइए या अनुसूची एक बार रिविजन रिवाइज करवा दो आपका फिर से। आइए आते हैं, ठीक, चलिए भागों को हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। भाग एक फटाफट रिवीजन करना है, संघ राज्य और उसके क्षेत्र, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र, इसको रिवीजन मुंह से बोलते रहे, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, भाग एक संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 104। भाग दो है ना नागरिकता, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां का नागरिक बोला जाएगा, तो नागरिकता प्राप्त होना, भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, ऐसा बोलते रहिए अनुच्छेद 5 से 11। भाग तीन बोलते रहिए, भाग तीन बोल, भाग दो नागरिकता, नागरिकता बोलते रहिए, भाग तीन पे आ जाते हैं। भाग तीन फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार। भाग चार डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
छत्तीस से इक्यावन, ठीक, भाग चार से बना चार ए, चार का ये बन गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी, बोलते हो मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मैं याद कैसे करवाते हो, आज नहीं करवा रहा, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको याद करेंगे। टेक्निक ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, आपको ये बात पता है ना कि हाँ सर आप हमको याद बहुत बार करवा चुके हैं, इसलिए आज मैं याद करवाने वाला जो टेक्निक है ट्रिक है वो नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मैं सिर्फ लिखते चल रहा था कि आपको भैया आप मेरे साथ दोहराते रहे कि संभागिक संघराज्य क्षेत्र, भागिक संघराज्य क्षेत्र, भागिक संघराज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, भाग दो नागरिकता, भाग तीन, भाग तीन मूलभूत अधिकार, भाग चार आपका डीपीएसपी, भाग पांच चार का आपका मूलभूत कर्तव्य। तो भाग चार से बना है चार का, तो इक्यावन से बनेगा इक्यावन का अनुच्छेद इक्यावन का। भाग पांच एक साथ लिखता हूँ, भाग पांच, भाग छः, भाग सात समाप्त, भाग आठ, भाग नौ, भाग दस, ये सब लिखता हूँ हमेशा, ठीक। तो सबको एक साथ लिखिए, पांच से लेकर दस तक एक साथ लिखता हूँ मैं हमेशा, आप भी एक साथ लिखे कीजिए। भाग क्यों भाई, सबसे पहले सबसे बड़ी सरकार कहाँ है संघ में, तो संघ सरकार या केंद्र सरकार, उसके बाद कौन सी सरकार भाई, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार। सात तो भाई आपका समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आठ भाई आपका संघ सरकार और केंद्र सरकार के बाद आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बाद कहाँ पे आपका सरकार चलता भाई, पंचायती राज, जो आपके भाग नौ में पड़े हैं आप, पंचायती राज, पंचायत, पंचायत भाग नौ, इधर दस नहीं होगा, नौ से नौ ही होगा, नौ से बनेगा नौ का, भाग नौ में पंचायत, तो भाग नौ का में है आपका नगरीय निकाय, नगर पालिका, ठीक, यस। फिर भाग दस में है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, प्रत्येक संघ सरकार का अनुच्छेद कहाँ से, देखिए इक्यावन पर खत्म हो गया, तो इक्यावन बावन आएगा, बावन से एक सौ इक्यावन तक, एक सौ इक्यावन बताएगा, एक सौ बावन, एक सौ बावन से 237 तक, याद करवा चुका था, दो तीन राज्य साथ में रहिए, दो तीन राज्य साथ में रहिए, एक सौ बावन 237 तक, जो समाप्त हो गया है अनुच्छेद 238, यहाँ पर 239 से, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ से आता है, 239 से, 239 से 242 तक, ओके। पंचायत कहाँ से आता है भैया आपका, 242 से 243 आता है, 243 यहाँ भी, 243 से 243 ही चलता रहेगा, 243 ओ, यहाँ 243 ओ के बाद आता है पी, तो 243 पी से 243 जेड जी तक, और तो जनजाति क्षेत्र आता है आपका 244 से, 44 ए तक, 44 क। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भाग 10 तक का पूरा भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद मैं इतना फास्ट इसलिए लिखवाया क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, है ना, क्योंकि सब मैं इतने बार पढ़ा चुका हूँ कि आपको याद रहे। मैं केवल आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको सामने बार बार दोहरा रहा हूँ, ताकि आपको भाई बार बार रिविजन होता रहे, होता रहे, होता रहे, इतना बार रिविजन हो कि जब एग्जाम में तो नींद से उठ के बता सके। नहीं तो मैं हर एक दिन केवल एक भाग उसके नाम, उसके अनुच्छेद, केवल एक दिन में एक भाग उसका नाम, उसका अनुच्छेद आपको याद करवाया हूँ ऑनली शुरुआती दौर पर, दूसरे दिन फिर दूसरा भाग, दूसरा नाम, दूसरा अनुच्छेद आपको याद करवाया हूँ। जब उतना दिन मेहनत किया हूँ आपके पीछे में, तो आपको क्यों मेहनत नहीं करेंगे भाई, आप, आपको क्यों याद नहीं होना चाहिए ये। और आप जो अगर याद नहीं है, आपको तो सोचिए आप कितने कमजोर हैं, और कमजोरी में सेंस नहीं है, कमजोरी का मुद्दा नहीं है, मेरा दिल बस इस बात से दुखता है कि अगर आपको, आपको आज भी याद नहीं है, तो सोचिए कि भाई आपको कैसे कोई जॉब मिलेगा, नहीं मिल सकता, सच्चाई है ये, लिख के लीजिए मुझसे। आपको अपने नेचर में, अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया कैसे बदलेगी, और जिनमें चाहत है दुनिया बदलने की, वो सबसे पहले खुद को बदला करते हैं, है ना। तो सबसे पहले खुद को बदलिए, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खजा अपने मुझसे बुरा ना कोई। तो वैसे ही मैं इसमें कमी खोज रहा हूँ, उसमें कमी खोज रहा हूँ, आपके कंटेंट में, इसके कंटेंट में, अरे कमी सिर्फ आपके में क्या, भटक रहे हैं दस जगह। जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, सीरियसली पढ़ना है सीरियसली पढ़ेगा, रटना है रटेगा, मरमर के पढ़ेगा, मरमर के लिखेगा, मरमर के रटेगा, कैसे भी करेगा, कितने भी टेक्निक ट्रिक लगाएगा, मगर उसको याद करके एग्जाम उसको बना के आगे पोस्ट नौकरी लेगा ही लेगा। तो अगर आपके सपने हैं, तो मैं बोलता ना, जब सपने अपने हैं आपके, जब आपके अपने सपने हैं, तो दूसरों से उम्मीद है क्या।
जब आपके अपने सपने हैं तो दूसरों से उम्मीद है क्या? चल उठ, चल लड़, चल झगड़, चल दौड़, चल भाग, चल खड़ा हो जा, पर खुद से ही वादा ये कर कि हाँ, हार नहीं मैं मानूंगा, जीत के एक दिन दिखाऊंगा। तो भाई याद रखिए बातों को। भाग 10 तक ये हो गया, चलिए भाग 11 पाते हैं। भाग 11 बोलते हैं, एक और 11 होते हैं, संघ राज्य मिल जाते हैं, तो भाई संघ राज्य संबंध हो जाएगा इसमें, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य में संबंध। भाग 12, भाग 12, भगवान से 13-12 बज के, तेरे किसके भाई 12 बज के, तेरे वित्त के, है ना, तेरे संपत्ति के, तेरे संविदाओं के, इन सब के 12 बज गए। ठीक है, जैसे याद करवाया था आपको भाग 13, ये मेरे को अभी तक उसी टेक्निक से याद आता है। भाग 13 क्या, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत तेरा व्यापार, तेरा वाणिज्य, तेरा समागम कैसा चल रहा है भाई। यस, भाग 14 कि भाई मेरा तो भाग 14 हमारे मेरा तो 14 से 14, 14 से चांदी, चांदी तभी होगा जब मुझे तो संघ या राज्य सरकार के अधीन या राज्य के अधीन सेवाएं मिल जाए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे राज्य गवर्नमेंट का। ये भाग 14 में तो 14 से 14 चांदी होगा जब आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, ये बात आप बोल रहे हैं। फिर 14 का सब आपका प्रकीर्ण है, उसको छोड़ रहा हूँ मैं, सीधा रहा हूँ भाग 15 पे, इधर महत्वपूर्ण जो भाग उस पे ही। भाग 15 आपका भैया निर्वाचन, निर्वाचन ठीक। भाग आपका 16 छोड़ रहा हूँ मैं, भाग 17 सीधे 17 पे। भाग 17 है आपका भैया राजभाषा, 17 बाद आपका 18 है, भाग 17 बाद भाई भाग आपका 18 भी है, भाग 18 है, भाग 18 भैया क्या आपका आपातकाल से, 18 से आपातकाल, आपातकालीन निबंध, आपातकाल। अब भाग 18 भाग 19 छोड़ रहा हूँ, लिखो सीधा भाग 20, जिधर जो मुख्य भाग है उतने को बस लिखता हूँ। यहाँ यहाँ से 15 तक तो कंटिन्यू है, यहाँ से 14 के बाद से 14 का छोड़ दिया हूँ यहाँ पर ना। यस, भाग 20 में आपका भैया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। यस, अनुच्छेद लिख लीजिए। भाग 11 का अनुच्छेद भैया आपका कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 तक। वित्त संपत्ति संविधान कहाँ से, 264 से 300 तक। व्यापार वाणिज्य वाला कहाँ से है भाई, व्यापार वाणिज्य सगुन का काम है तो 301 रुपये चालू होगा, 307 रुपये तक चलेगा। संघ राज्य के अधीन सेवाएं वाले कहाँ से कहाँ, 308 है भैया, 308 चालू होकर के 323 तक चलेगा। निर्वाचन वाला कहाँ चलेगा भाई, 324 से चालू होकर के 329 तक चलेगा। राजभाषा कहाँ से कहाँ चलेगा भाई, 343 से 51, तो 343 से 351 तक चलेगा। फिर आपातकाल कहाँ चलेगा, आपातकाल 352 से 360 तक चलेगा। और संविधान संशोधन कहाँ से कहाँ चलेगा, तो संविधान संशोधन केवल 368 अनुच्छेद चलता है। क्लियर, तो देखिए आपको मेन जो संविधान के भाग हैं उसके नाम उसके अनुच्छेद है, ये मुँह जुबान याद होने चाहिए ऐसे ही, इसलिए मैं बार बार आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। तो स्लाइड में तो पीछे है ना भाई ये सब चीजें, पीछे स्लाइड में ये सारी चीजें हैं, मगर मैं लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे आप भी ऐसी प्रैक्टिस करना सीखिए ना। कितना टाइम लगा मेरे को याद हो लिखने में, ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए ना। देखिए ये सब चीजें आपकी स्लाइड में दी है कि नहीं भैया, ये सब चीज तो पहले से स्लाइड में दी है ना। देखिए स्लाइड में दी है भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद, मगर फिर भी लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं, आप ही के लिए, ताकि आप भी वैसे ही अपना आदत डालें, है ना। ठीक, देख लीजिए राजभाषा 43 से 51, 352 360, 161 से 67 68 हम लोग ऐसे ही पढ़े ना अभी जस्ट। तो क्लियर,
चलिए, तो ये सब देखिए आपका भाई सामने पड़ा हुआ है, इसको बस आपको पढ़ना है, रटना है हर दिन, इसलिए स्लाइड और ऐड भी करवाता हूँ मैं कि आपको याद भी रही बातें ना, कि हर दिन आपके सामने स्लाइड आए तो आप एक बार रिविजन कर लो। तो चलिए यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सब सलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, खिलखिलाते रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और ये उम्मीद करता हूँ कि आज जो छावनी बोर्ड वाला पढ़े हैं पहली बार उसको इतना अच्छे से जाने होंगे। चार वर्ड इसके श्रेणी होती हैं, श्रेणी 1, 2, 3, 4, 4 में 2500 जनसंख्या से कम, श्रेणी 3 में 2500 से 10,000 जनसंख्या, श्रेणी 2 में 10,000 से 50,000 जनसंख्या, श्रेणी 1 में 50,000 से अधिक जनसंख्या है ना, वहाँ के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ये सब चीज़ आपको पहली बार ही पता चली होगी, मैं तो बता रहा हूँ आपको। तो चलिए आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट का विषय का आपको पढ़ाना है मुझे, कौन सा विषय ऐसा है जो किसी यूट्यूब में कहीं भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मगर आप सभी बच्चों को चाहिए वह विषय, उस विषय का क्वेश्चन आपका, ताकि उसका क्वेश्चन आपसे बने और क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए और एक्स्ट्रा नंबर आप पाएं, तो वैसा विषय अगर मुझे लगेगा आपके बताने के बाद तो मैं उस विषय के ऊपर क्लास लेके आऊंगा और बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब में पढ़ाऊंगा। तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, इसका ऊपर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को मैसेज करने बोलिए, तो फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा क्लास लाना है या नहीं। ठीक है, चलिए तो यहीं पर आप सबसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।